प्रवक्ता पवन खेडांना जामीन मिळाला। नवी दिल्ली विमानतळावर काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शन केले। पवन खेडांना जामीन, सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला। दिल्ली विमानतळावर दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती। मोदीं संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरून ही कारवाई झाली। खेडांची अटक म्हणजे हुकूमशाही असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे, तर आसाम पोलिसांच्या सूचनेवरून दिल्ली पोलिसांनी खेडांना अटक केली। पवन खेडांना रायपूर इथे काँग्रेस अधिवेशनात जाण्यास रोखले। पोलिसांनी विमानातून खेडा यांना उतरण्यास भाग पाडले। पाहूया नवी दिल्ली विमानतळावर काँग्रेसनं जी निदर्शनं केली ती। अटकेपूर्वी पवन खेडा काय म्हणालेत पाहूया। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है, तो मैंने इस बार आप आइए नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आप। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम।